गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं, आज से हम तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा टॉपिक है। इक्वेशन या आप जानते हो, इक्वेशन वर्ड आपने मैथ में भी पढ़ा है, राइट? तो उसी के बेस पर है ये अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना टॉपिक। इसको समझते हैं हम, ये है क्या। पहले An accounting equation is a mathematical expression which shows that the assets and liabilities of a firm are equal, right? Assets के बारे में हम पढ़ चुके हैं terms में, right? Liabilities के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि मतलब इसका meaning ये है कि ये equation ये show करती है कि जो firm यानी आपका जो business है उसकी assets and liabilities equal balance में होनी चाहिए। ना तो असेट्स ज़्यादा हो ना ही लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो, राइट? क्यों नहीं ज़्यादा हो? असेट्स जैसे कि आपको मालूम है कि असेट्स क्या है, फर्म ने अपने खुद के लिए ओ कर रखी है ना, यानी खुद के पास है, उसका खुद का राइट है इस असेट्स के ऊपर। और लाइबिलिटीज़ क्या है, जो बाहर से हमने जनरेट किया है जो भी, तो जिसको हमें पे ऑफ करना है इन फ्यूचर। तो यदि मान लो असेट्स बहुत ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है, तो उन असेट्स की प्रोडक्टिविटी कम होती है। और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, असेट्स कम है, इट मीन्स आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। तो यदि आप पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है आपकी गुडविल भी डिस्ट्रॉय होती है, राइट ना? तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम अकाउंटिंग इक्वेशन को शो कर रहे हैं, ये क्या है, बेस्ड है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर। दिस इज़ बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल यानी इज ये ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, देखो आप। सो व्हाट इज ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? आर अकाउंटिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। बेटा एज यू नो कि जब आप लोगों ने कई बार मूवीज़ में भी देखा होगा कि पहले जो अकाउंट्स का वर्क था ना, वो एक मतलब बिजनेस में एक मुनीम जी करते थे जिनके हाथ में एक बुक्स होती थी, जैसे रेड बुक बोलते थे, तो वो रेड बुक में अपने अकाउंट्स लिखते थे, ठीक है ना? तो पहले वही एक सिस्टम चलता था, राइट? फिर डे बाय डे जैसे कोई भी पुराना सिस्टम है उसको एनालिसिस करते हैं, उसमें कुछ मेरिट्स होते हैं कुछ डिमेरिट्स होती हैं, उनके बेस पर फिर नया एक सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। तो ऐसे ही उसकी कुछ कमियां थी तो उसमें रेक्टिफाइड करते हुए फिर एक सिंगल एंट्री सिस्टम आया, देन आफ्टर एक डबल एंट्री सिस्टम आया। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है बेटा कि ये जो सो व्हाट इज़ ड्यूल एस्पेक्ट और अकाउंटिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। व्हाट इज़ डबल एंट्री सिस्टम? डबल यानी टू टाइम्स एंट्री, यानी कि टू टाइम्स एंट्री करें आप, राइट? टू टाइम्स जब आप एंट्री करते हैं तो यानी एक वन साइड हो गया, टू साइड हो गया, सेकंड साइड हो गया, तो आप जब उन दोनों को कंपेयर करते हो तो आपको पता चलता है कि कहीं पर मतलब दोनों इक्वल है, इट मींस राइट। और यदि कहीं पर कुछ वेरिएंस आ रहा है तो हमें मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं जिन्हें हम रेक्टिफाइड करते हैं, राइट? तो जो डबल एंट्री सिस्टम क्या है, मींस एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड टू टाइम्स विद सेम अमाउंट। यानी कि जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में होते हैं, जिन्हें आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, उनको दो बार रिकॉर्ड करें और विद सेम अमाउंट रिकॉर्ड करें, राइट? जैसे वन साइड को यहाँ पर बोला गया है डेबिट। क्या बोला गया बेटा? डेबिट। तो वन साइड इज डेबिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म है डी आर, राइट? डी आर जो वर्ड आया ना बेटा, ये जो डी आर वर्ड आया है वो आया है डी बेयर वर्ड से, राइट? डी बी ई बी ए आर ई, राइट? डी बेयर का मतलब क्या होता है बेटा? ये क्या लैटिन भाषा में है, मीनिंग दोनों का सेम है, डेबिट डी बेयर। तो डी बेयर का यहाँ पे डी ओ आर शॉर्ट फॉर्म में ले लिया। सेम अब जो क्रेडिट है इसका, इसका जो बोलते हैं वो बोलते हैं क्रेडिट की जो लैटिन वर्ड है इसका, वो है क्रेडा, सी आर ई डी ए, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या बना? सी आर, ठीक है? तो हम जो प्रैक्टिकली हम जो यूज़ लेते हैं वो डेबिट क्रेडिट पूरा फुल फॉर्म में ना लेकर कैसे लेते हैं? डी आर एंड सी आर। तो टू साइड हो गए, वन डी आर एंड सेकेंड इज सी आर, और दोनों ही साइड में हमें एक ट्रांजेक्शन को विद सेम अमाउंट रिकॉर्ड करना है, ताकि हम दोनों को कंपेयर करके एनालिसिस करके ये फाइंड आउट कर सकें कि हमारे अकाउंट्स राइट है और रॉन्ग है, ठीक है बेटा? देन सो अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इक्वेशन टोटल क्लेम्स, टोटल क्लेम्स, क्लेम्स का मतलब क्या है, जिसको पे ऑफ करना है, विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल
असेट्स, यानी कि जो भी बिजनेस को पे ऑफ करना है वो आपके असेट्स के इक्वल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट है इसके बाद। अब इस इक्वेशन को हम शो कैसे करें, फर्स्ट हम ये इस इक्वेशन को समझ लें। तो टोटल क्लेम का मतलब क्या हुआ, ऑनर्स इक्विटी यानी ऑनर की कैपिटल। भाई बिजनेस को ऑनर की कैपिटल, क्योंकि ऑनर ने ये कैपिटल इन्वेस्ट किया ना बिजनेस में एक प्रॉफिट के पर्पज से, तो ऑनर की इक्विटी, जिसको इक्विटी भी बोलते हैं, कैपिटल प्लस अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर लाइबिलिटीज और आउटसाइडर इक्विटी, राइट। यानी हमने जो बाहर से पैसा लिया है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अ पार्ट ऑफ ऑनर्स कैपिटल, तो वो सारा क्या है, फर्म के अगेंस्ट क्या है, क्लेम है, राइट। तो ये क्लेम शुड बी इक्वल टू टोटल असेट्स ऑफ फर्म, राइट। अब यहाँ पे फर्म के असेट से मतलब है, मतलब ऑनर के निजी असेट से कोई लेना देना नहीं है, यानी जो फर्म के असेट्स है वो इस इक्विटी यानी कि ऑनर की कैपिटल और आउटसाइडर जो आउटसाइडर जो भी लाइबिलिटी है उसके, उन दोनों को प्लस करके प्लस असेट्स के, वो फर्म के असेट्स के इक्वल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? देन आफ्टर वी कैन एक्सप्रेस इट एज फॉलोज। हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, असेट्स इज इक्वल टू इक्विटी, एंड इक्विटी मीन्स कैपिटल, ऑनर्स कैपिटल प्लस आउटसाइडर लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर? असेट्स इज इक्वल टू इक्विटी, राइट। और इसको हम किस फॉर्म में शो कर सकते हैं, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स आउटसाइडर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल मीन्स ऑनर्स कैपिटल, ठीक है। और इसको हम एक फॉर्म में और ले सकते हैं, लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल, यानी कि ये तीन एलिमेंट है, ये थ्री, बेसिकली थ्री एलिमेंट्स है, फर्स्ट है असेट्स, सेकेंड है लाइबिलिटी एंड थर्ड इज कैपिटल। इज दैट क्लियर? तो इन तीनों को हम, यदि मान लो कोई भी एक हमारे पास मिसिंग है, तो हम सेकेंड और थर्ड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी इस न्यूमेरिकल फॉर्म में हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल और कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। यानी हमारी जो ये इक्वेशन है इन तीन एलिमेंट्स के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो समझ गए आप? तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी नो अबाउट व्हाट इज असेट्स एंड व्हाट इज लाइबिलिटी, यानी कि इनके जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से असेट्स में आते हैं, कौन कौन से लाइबिलिटीज में आते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसको आप बाद में पढ़ेंगे बेटा, इसे बैलेंस शीट बोलते हैं, राइट। ये इसको बैलेंस शीट बोलते हैं, ये हमारा फाइनल अकाउंट का लास्ट टॉपिक होगा, राइट। तो फर्स्ट इसको हम समझ लेते हैं, अभी तो बस केवल आप टेबल को ऐसे लर्न कर लीजिएगा। जैसे ये जो साइड है, दिस इज लाइबिलिटी साइड एंड दिस इज असेट साइड, राइट। तो लाइबिलिटीज़ में क्या क्या वर्ड आते हैं, फर्स्ट है कैपिटल, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एडवांस इनकम। तो कैपिटल यू नो, ऑनर्स कैपिटल, बैंक लोन यानी जो हम बैंक से लोन लेते हैं अपने फॉर्म को रन करने के लिए, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर वो पर्सन जिससे हमने क्रेडिट बेस पर गुड्स परचेज किया है फर्दर सेल करने के लिए, ओके। तो इसको भी हमें पैसा तो देना होगा ना। बिल्स पेबल यानी जो ट्रेड रिसीवेबल, अपन ने इसको पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल ना, मैंने आपको जो शॉर्ट नोट्स में पढ़ाए थे, जो बेसिक नोट्स में। तो क्रेडिटर, जिसको हमने क्रेडिट बेस पर, जिससे हमने गुड्स परचेज किया है फर्दर सेल के लिए। एंड बिल्स पेबल, बिल्स पेबल वो बिल्स हैं जो कि क्रेडिटर्स ने एक्सेप्ट किए हैं हमारे, मतलब हमको जिस बिल्स के अगेंस्ट पैसा देना है क्रेडिटर्स को, राइट। लाइक जैसे कि मैंने चेक किसी को दे दिया, वो चेक जब भी बैंक में लगाएगा तो मेरे बैंक से वो अमाउंट डिडक्ट होगा, तो ये भी क्या है, एक तरीके से लाइबिलिटी का ही पार्ट है, राइट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी बिजनेसमैन होता है, अब एक्चुअली आपको मालूम होगा कि जो जनरली हम लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, है ना, लेकिन जो फर्म है या बिजनेस है वो लोग अकाउंट ओपन कराते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, जिसमें डेली के लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस होते हैं, लाइक पैसा विड्रॉल हो रहा है और पैसा आ रहा है। कैसे आ रहा है, लाइक जैसे कि अभी मान लो आप लोगों की फ़ीस जमा होती है, बैंक के थ्रू जमा होती है, तो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। अब हमको तो ये लगता है ना कि 10 अप्रैल तक इतने स्टूडेंट्स की फ़ीस आनी चाहिए, राइट। लेकिन वो अमाउंट ज़रूरी नहीं है कि उतना अमाउंट आ जाए, मे बी किसी स्टूडेंट का अमाउंट अभी नहीं आया, इस मंथ नहीं आया, नेक्स्ट मंथ आए, या फिर किसी का चेक बाउंस हो जाए, तो ऐसे कुछ कंडीशन हो सकती हैं। तो वो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब कोई भी बिजनेसमैन करंट अकाउंट ओपन कराता है ना, तो वो एक लिमिट लेता है, लाइक कि जैसे कि मेरा अकाउंट में 2 लाख की लिमिट है, यानी कि 2 लाख
एनी टाइम मेरे पास 2 लाख का बैलेंस मेंटेन होना चाहिए कि जैसे मुझे कभी कोई पेमेंट करना पड़े तो मेरे पास पैसा हो। लेकिन कई बार यदि 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट बैंक से विड्रॉल हो जाता है, निकल जाता है, जो कि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से निकलता है, तो वो एक कंडीशन होती है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि हमारे डिपॉजिट अमाउंट से यदि मान लो हमारे पेमेंट के थ्रू ज़्यादा अमाउंट विड्रॉल हो जाता है हमारे अकाउंट से, दिस कंडीशन इज शोज एज बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट यानी ऐसा कुछ हुआ है तो हमें वो एज सून एज पॉसिबल उसको हमें पे करना होगा, तो ये भी हमारी लायबिलिटी है। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी वो एक्सपेंसेस जो है तो ड्यूरिंग द ईयर मतलब के सेशन के हैं, लेकिन जिसको हम पे करते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, और क्योंकि जो भी हमारा अकाउंट्स होता है बेटा वो 12 मंथ का पर बेस्ड बनता है, 12 मंथ पर राइट, एक अकाउंटिंग पीरियड बनाया है 12 मंथ जिस पर बेस्ड होता है, यानी कि हमारा 12 महीने से रिलेटेड एक्सपेंसेस था लेकिन उसको हम कर रहे हैं आफ्टर 12 मंथ, तो वो इस साल के लिए क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी पे तो करना ही है ना। एडवांस इनकम यानी किसी से हमने एडवांस पैसा ले लिया और उसको हमने अभी तक सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो वो भी क्या है, हमारी लायबिलिटी है। एज वेल एज असेट्स, फिक्स असेट्स यू नो लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिजनेस प्रिमाइजेज, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्रूड इनकम, जिसको अपन आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी में आता है और आउटस्टैंडिंग इनकम यानी कि वो पैसा जो हमें इस सेशन में नहीं मिला लेकिन वो हमें मिलना है, तो वो क्या है, हमारी असेट्स है। ठीक है, तो ये एक टेबल मैंने आपको बना के दी है बेटा, इस टेबल को आप अपने सामने रखना जो भी अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, और धीरे धीरे फिर ये आपको लर्न हो जाएगा, तो कोई नॉट अ बिग इशू। ठीक है, अब इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में शो कैसे करते हैं, अब अपन इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। लाइक जैसे अब 3 एलिमेंट है ना, तो फर्स्ट अपन एक एनालिटिकल टेबल बना लेते हैं, जैसे ये एनालिटिकल टेबल बनेगी, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं क्योंकि असेट्स हमारे पास नंबर ऑफ असेट्स ज़्यादा होती हैं, लायबिलिटीज कम होती है, तो हम इसको इस तरह से शो करते हैं, और यहाँ पर अपन एक लाइन ये खींचेंगे। ठीक है, अच्छा, तो दिस इज योर असेट साइड एंड दिस इज योर लायबिलिटीज साइड। ठीक है, और यहाँ पर एक आप इसके बाद इसको ऐसे खींचें, आप यहाँ पर आप लिखेंगे कैश, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे आप, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, ऐसे ही यहाँ पर आप लेंगे कैपिटल, क्रेडिटर, ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, और ट्रांजेक्शन आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपका फॉर्मेट है। तो जो फॉर्मेट बनेगा ना बेटा वो आपका स्केल से बनाओगे आप, ये तो मैंने तो ऐसे ही हाथ से बना दिया, आप स्केल से बनाएंगे, और जो आपका फॉर्मेट है इट शुड बी विद रेड पेन और ब्लैक पेन, या तो रेड पेन से बना हुआ होना चाहिए या फिर ब्लैक पेन से बना हुआ होना चाहिए, अदर ब्लू पेन से नहीं, लाइक अपन ब्लू, या फिर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, ट्रबल है, तो यू हैव टू यूज़ पेंसिल, आप पेंसिल से भी आप इस डायग्राम को मतलब इस फॉर्मेट को बना सकते हैं। फॉर्मेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में, अकाउंटिंग में। ठीक, तो अब मैं ट्रांजेक्शन्स लेती हूँ, तो जैसे मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 4 लाख, राइट, बिजनेस स्टार्ट किया हमने कैश के साथ,
तो हमारा पहला ट्रांजेक्शन हो गया ये, राइट। अब इस ट्रांजेक्शन का असेट्स पर भी उतना ही इफेक्ट पड़ना चाहिए और लाइबिलिटी पे। इक्वेशन का मतलब ये है ना कि दोनों साइड इक्वल इफेक्ट आए, या तो दोनों साइड ही वो प्लस हो या दोनों साइड ही वो माइनस हो, ठीक है। तो हमारा जो ट्रांजेक्शन हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश के साथ, तो पर्टिकुलर में हमें ट्रांजेक्शन लिखना है और इन शॉर्ट फॉर्म लिखना है। पहले इस लाइन को यहाँ पर एक ड्रॉ कर लो। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, है ना। यहाँ पर जो हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे कि जैसे जैसे हमें पता चलेगा असेट्स जो जो भी इंक्रीज होती जाएगी उसका एक सेपरेट कॉलम बनता जाएगा, एज वेल एज लाइबिलिटी में भी कोई नया कोई मान लो लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो उसको हम सेपरेटली कॉलम उसका ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड, यहाँ लिखोगे आप बिजनेस स्टार्ट, राइट। अब कैश यानी कि बिजनेस में असेट्स में क्या बढ़ा, कैश आया, तो हमने यहाँ लिखा 4 लाख, ठीक है। और ये ऑनर ने पैसा लगाया है, ऑनर ने जो पैसा लगाया है वो क्या है, उसकी कैपिटल है। मैंने आपको बताया था ना कि बिजनेस स्टार्ट मतलब जिससे भी स्टार्ट करता है ऑनर, जो भी पैसा लगाता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो वो उसकी किस फॉर्म में होता है, कैपिटल के फॉर्म में। तो ये 4 लाख किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल में, ठीक बेटा। तो यहाँ पर आप देखो ये अपना मतलब जो ये टू साइड हो गया, असेट्स एंड लाइबिलिटी, इक्वेशन अपनी यही है ना, यानी असेट शुड बी इक्वल विद लाइबिलिटी। तो इन इस ट्रांजेक्शन में हमारा असेट्स एंड लाइबिलिटी दोनों इक्वल आ गया, ठीक। देन आफ्टर अब जो भी एक ट्रांजेक्शन हो जाएगा उसके बाद हम उसका बैलेंस को नीचे ले आएंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 लाख, यानी अब जो दूसरा ट्रांजेक्शन होगा उसका इफेक्ट आएगा इसके अंदर, इस न्यूमेरिकल में इसका इफेक्ट आएगा, दैट्स वाई हम इसको ट्रांजेक्शन को नीचे उसका बैलेंसिंग या टोटलिंग करते हुए लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड ट्रांजेक्शन है, सपोज करो क्वेश्चन में 2 गुड्स परचेज इन कैश, राइट। अब देखो गुड्स परचेज किया हमने कैश के अंदर, तो मैंने आपको बताया था जब तक एक स्टॉक टर्म्स बताई थी कि हम जब गुड्स परचेज करते हैं और जब तक वो सेल नहीं होती तो वो प्रोडक्ट हमारे किस में पड़ा होगा, हमारे स्टॉक में होगा, है ना। तो उसको अपन यानी कि और स्टॉक यानी वो आइटम है जो क्या है हमारी असेट्स है, यानी कि यहाँ पर जो गुड्स पड़ा हुआ है उसको हम उस पर हमारा राइट है क्योंकि हमने रीसेल पर्पज से खरीदा है, तो हम उसको कभी भी सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम उसको कभी भी सेल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखोगे आप गुड्स परचेज, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर देखो हमने कैश में परचेज किया, 4 लाख में से हमने पेमेंट किया है 50,000 का, तो जो माइनस की फिगर है उसको अपन ब्रैकेट में शो करते हैं, 50,000 आपने ये ब्रैकेट में शो कर दिया, राइट। और अब यहाँ पर हमने हमारे पास क्या आ गया, स्टॉक आ गया, स्टॉक में कितना अमाउंट प्लस हो जाएगा, यानी 50,000 का गुड्स हमारा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रोडक्ट का कोई भी या इस ट्रांजेक्शन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अब इसको आप कैरी फॉरवर्ड करो, तो कैश कितना बचा, 3,50,000, और स्टॉक कितने का आ गया, 50,000, और यहाँ पर कैपिटल कितने की रही, 4 लाख, यानी कैपिटल पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, कैपिटल उतनी शो होगी, राइट। इसके बाद कैपिटल उतनी शो होगी क्यों, क्योंकि कैपिटल में 3.5 लाख तो कैश है और 50,000 का क्या है, गुड्स है उसके पास। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो है सपोज करो गुड्स सोल्ड इन कैश, और यहाँ पर जो गुड्स सोल्ड हुआ वो हुआ हमारा 40,000 का, ठीक है, 40,000 का गुड्स सोल्ड हुआ, राइट। और कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, यानी कि हम ये मानेंगे कि 40,000 का हमने जो गुड्स परचेज किया था उसको हमने सेल कर दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं दे रखा। तो अपन इस 40,000 का ही सारा बेस मानेंगे, यहाँ लिखोगे आप 3 गुड्स सोल्ड। अब आप देखो कैश में सोल हुआ, तो यानी कि हमारे पास 40,000 आया,
40,000 आया तो मेरा कैश बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 3,90,000, और यहाँ से कितना माइनस हो जाएगा 40,000। इसका क्या इफेक्ट पड़ा कि 10,000 का हमारे पास गुड्स रिमेनिंग है, कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ा। ठीक, देन आफ्टर मान लो इस क्वेश्चन में ये होता, गुड्स सोल्ड इन कैश 10,000 कॉस्ट, और हमने उसको बेचा, यानी कि गुड सोल्ड इन कैश एंड ये हमने सेल किया उसको 15,000 का। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो भाई हमने यदि 10,000 रुपये का गुड्स परचेज किया है तो उसको हम 10,000 में तो सेल नहीं करेंगे, हम उसको जब सेल करेंगे तो उसमें अपना मार्जिन ऐड करेंगे, है ना। तो हमने मार्जिन ऐड किया, तो हमने इसका मार्जिन ऐड किया कितना, इन 10,000 गुड्स हमने कितने में सेल किया, 15,000 में, यानी मार्जिन कितना, प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 5,000। ठीक है, तो प्रॉफिट यदि होगा बिजनेस में तो ऑनर की कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बढ़ेगी ना, तो जाहिर सी बात है कैपिटल बढ़ेगी। अब यहाँ पे किसी ट्रांजेक्शन में हमें प्रॉफिट का पता नहीं चल रहा था, तो हमने हमारा कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि 10,000 का जो गुड्स था वो हमने सेल किया, जो हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ था, और कितने में सेल किया, 15 में सेल किया, तो हमें 5,000 का प्रॉफिट हो गया। अब इस ट्रांजेक्शन को कैसे शो करेंगे, तो उसको भी अपन लिखेंगे क्या, गुड्स सोल्ड, राइट। 10,000 का हमारा जो स्टॉक में से कैश में सेल हुआ है, अच्छा कैश में हमने 10,000 का जो गुड्स है वो सेल किया कितने पे, 15 पे, तो कैश कितना आया हमारे पास 15,000, तो ये तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, है ना, और यहाँ से कितना माइनस होगा 10,000, क्योंकि स्टॉक में से तो 10,000 के गुड्स गया, और प्रॉफिट कितने का हुआ हमें 5,000 का, वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि कैपिटल इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो आप, ये कितना हो गया 4,05,000, राइट, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, और यहाँ पर इसका कैपिटल कितने हो गई 4,05,000, बोथ आर इक्वल, राइट, यानी कि आपके जो इक्वेशन है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब ऐसे ही अपन एक ट्रांजेक्शन और लेते हैं, गुड्स परचेज्ड 20,000 इन कैश एंड 35,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, हमने मतलब 20,000 का तो हमने कैश में गुड्स परचेज किया, और 35 का हमने कैसे परचेज किया, क्रेडिट परचेज किया। तो जब मैंने कहा था कि क्रेडिट परचेज करते हैं अपन, तो जिसको भी जिससे भी हमने क्रेडिट परचेज किया वो कौन होता है, हमारा क्रेडिटर होता है, यानी 35,000 का तो क्रेडिट है हमारा, तो 35,000 कौन हो गया हमारा, क्रेडिटर हो गया, यस और नो, तो 35,000 तो हमारा पूरा का पूरा क्रेडिटर में आ जाएगा, यहाँ पे लिख लो बिल्कुल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 35,000 का तो हमारा क्रेडिट रेज हो गया है, वो यहाँ पर हुआ है इस ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन नोट करो पहले, गुड्स परचेज, इज दैट क्लियर, और स्टॉक, अब यहाँ पर हमने जो कैश में कितना पेमेंट करा है 20,000, तो यहाँ पर आप माइनस कर दोगे 20,000। ठीक है, और गुड्स कितना आ गया हमारे पास 20,000 तो कैश में आया, और 35 हमारे पास क्रेडिट पे आया, तो टोटल कितना आ गया 55,000, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा 55,000। आप इस ट्रांजेक्शन्स को देखो आप, तो ये हो गया आपका 3,85,000, यहाँ हो गया आपका 55,000, एंड यहाँ कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4,05,000, एंड यहाँ हो गया 35,000। अब इन दोनों का टोटल अपन करके देखें, तो देखो, तो ये हो गया आपका 4,40,000, और यहाँ पर भी हो गया आपका 4,40,000। तो ये इस तरह से आपके ट्रांजेक्शन चलेंगे। अब आप एक एक्सपेंसेस और ले लो, सैलरी पेड 5,000। अब हमने सैलरी पेड की, तो सैलरी पेड की यानी कैश कम हुआ, तो ट्रांजेक्शन नोट करो पहले, सैलरी पेड कैश कम हुआ कितना 5,000, तो यहाँ कितना बचा 3,80,000,
है ना, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर, तो ये तो एज इट इज़ ही रहेगा 55,000। और यहाँ पर अब जितने भी, तो अब देखो यहाँ तो ये असेट्स है, लेकिन इस कैपिटल में क्या होगा, इसको आप यहाँ पर, मैं आपको शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पर, कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो तो होंगे क्या माइनस, एक सेकेंड, इसको ऐसे समझो, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो क्या होंगे बेटा माइनस, राइट, इस कैपिटल के अंदर, राइट, और जितनी भी इनकम होंगी वो क्या होंगी प्लस, जितने भी प्रॉफिट होंगे वो भी क्या होंगे प्लस, और यदि कोई लॉस हुआ तो वो क्या हो जाएगा माइनस। यानी कि ये केवल जो एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, वो किस पे इफेक्ट डालेगा, कैपिटल पे, उसका असेट्स और लाइबिलिटीज से कोई लेना देना नहीं है भाई, आइदर कैपिटल इंक्रीज एंड आइदर मतलब डिक्रीज, वो होगी थ्रू दीज ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो हम अब इस जो सैलरी, हमारी जो सैलरी पेड की है वो इफेक्ट किसको डालेगी, कैपिटल को, तो हम 5,000 यहाँ से माइनस कर देंगे और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो यहाँ कितना हुआ 4 लाख हो जाएगा यहाँ पर, और ये एज इट इज़ रहेगा 35,000, ठीक है बेटा। तो ये आपका LHS एंड RHS आर इक्वल, बोथ इक्वेशंस आर इक्वल। अब आप इसको शो कैसे करोगे, देखो लास्ट में कैसे शो करोगे, यहाँ लिखोगे आप असेट्स इजिकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, है ना। तो असेट्स आपकी कितनी होगी, दोनों को प्लस करके लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे 380,000 एंड प्लस 55,000, ये हो गया आपका 4,35,000, ठीक है। कैपिटल कितनी थी आपकी 4 लाख, लाइबिलिटी कितनी थी 35,000, तो ये भी कितना आ गया 4,35,000। यानी कि हमारी इक्वेशन क्या है, बिल्कुल राइट है, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, है ना। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं एक दो मैं आपको सेंड करती हूँ, और इसके जो टिपिकल टर्म्स हैं, यानी कि इस इक्वेशन में जाहिर सी बात इतना आसान तो होगा नहीं, डे बाय डे ये थोड़ा सा टिपिकल होता जाएगा टॉपिक, तो इसके जो भी टिपिकल क्वेश्चंस हैं या जो टिपिकल ट्रांजेक्शन्स हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इसके मैं आपको आज क्वेश्चन सेंड कर दूंगी अभी आपको PDF के थ्रू, तो आप वो क्वेश्चंस कर लेंगे, राइट।